संसद में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस ने की भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की मांग। चीन को लेकर कांग्रेस के रुख पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा डोकलाम के वक्त अधिकारियों से क्यों मिले थे। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट किया, नक्सलवाद और आतंकवाद पर किया प्रहार, अनुराग ठाकुर ने कहा 2014 के बाद आतंकी घटनाओं में आई कमी। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा, छपरा में शराब से मरने वालों की संख्या 73 हुई, बिहार में अब तक जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का हंगामा, जहरीली शराब से हुई मौतों पर हंगामा, बीजेपी ने की न्यायिक जांच की मांग। बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार का बयान, कहा जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा नहीं, जहरीली शराब अवैध कमाई का जरिया। सुशील मोदी, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नीतीश कुमार पर हमला, मौत पर संवेदनहीन हुए नीतीश कुमार, मुआवजा नहीं दिया गया तो कोर्ट जाएंगे। बिहार में शराब पर बढ़ा सियासी घमासान, चिराग पासवान का बयान, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सारण में जहरीली शराब से 200 से ज्यादा लोगों की मौत। गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर हमला, कहा मौत का आंकड़ा छुपा रही है बिहार सरकार, मृतकों के परिवारों को धमकाया जा रहा। सावरकर की तस्वीर पर कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने धरने पर बैठकर की नारेबाजी। हंगामे के बीच कर्नाटक विधानसभा कल तक के लिए हुई स्थगित, दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। किसानों का विरोध प्रदर्शन, रामलीला मैदान में जुटे 55,000 किसान। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी अपने सपनों में खोए हुए हैं, उत्तर पूर्व की सच्ची परिस्थिति नहीं बता रहे पीएम। उत्तर पूर्व विभाग को लेकर शिवसेना ने पीएम मोदी पर कसा तंज, आनंद दुबे बोले उत्तर पूर्व में बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के हिमाचल भवन में हुए क्वारंटाइन, 22 दिसंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन विधानसभा सत्र हुआ स्थगित। पंजाब के गुरदासपुर में लगातार दूसरे दिन दिखा संदिग्ध ड्रोन फायरिंग के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन। 21 साल बाद भारत को मिला मिस वर्ल्ड का ताज, 63 देशों को पछाड़कर जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल बनी विजेता। देश के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में घने कोहरे से हुए सड़क हादसे। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ कोहरे की दस्तक, राजधानी में आज प्रदूषण भी बहुत खराब श्रेणी में। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।